भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए, यहाँ पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक सांसद भी हैं। और दोस्तों आजकल इनकी ये वीडियो, ये अभी आज एक छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक रैली को संबोधित किया था, इनकी ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और साथ में बहुत सारे लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल क्यों हो रही है, क्यों लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, वो भी हम बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस काफ़ी समय से सत्ता में नहीं है, कुछ ही राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। इस चीज़ को लेकर जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तब से खासतौर से राहुल गांधी ने अपनी हार का ठीकरा, कांग्रेस की नाकामी का ठीकरा मीडिया के साथ डालना शुरू कर दिया है। आज अपनी इस रैली के अंदर इन्होंने मीडिया वालों को थोड़ा सा, मैं तो ये कहूँगा स्पष्ट शब्दों में, कि मीडिया वालों को बेइज्जत करते हुए क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि टीवी पर 24 घंटा मोदी जी दिखाई देते हैं लेकिन कांग्रेस का नेता नहीं दिखता। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीवी के मालिक किसान या मजदूर नहीं है, अडानी है, वही अडानी जिन्हें पीएम मोदी फायदा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि आज के टाइम में राहुल गांधी, कांग्रेस के पास मोदी, अडानी और मीडिया, इन तीन मुद्दों के अलावा और तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। ये अपनी उन हार, अपनी हार की जिस जो जिम्मेदारी थी, जिस कारणों से कांग्रेस हारी, उन मुद्दों को लेके कभी बात नहीं करते हैं। ये कभी उन घोटालों की बात नहीं करेंगे जो कांग्रेस राज के अंदर हुए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेके बहुत सारे लोग कांग्रेस को, राहुल गांधी को ट्रोल भी कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि कांग्रेस के नेता बचे ही कहाँ। बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि अधिकतर तो इनके नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खैर दोस्तों, एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि कांग्रेस ने किसी गरीब मजदूर को टीवी खोलने का फंड ही नहीं दिया। दोस्तों आज कांग्रेस गरीब मजदूरों की बात करती है, मैं तो इनसे ये जानना चाहूँगा कि जब कांग्रेस का राज था तब गरीब कहाँ गए थे? तब क्या हमारे देश के अंदर गरीब नहीं थे, या तब इनको हमारे देश की गरीबी नहीं दिखती थी? एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि कांग्रेस के हिसाब से उद्योगपति नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस करेगी क्या और कहेगी क्या। इन्होंने एक अखबार की कटिंग लगाई हुई है जिसमें हेडलाइन लिखी गई है कि सबको नौकरी नहीं दे सकती सरकार, गहलोत जी की फोटो लगी हुई है इसके अंदर। ये बिल्कुल सत्य बात है कि सरकार चाहकर भी हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, परंतु जितनी है उतनी तो दें। होता क्या है कि इनके नेता या तो अपने चाचा ताऊ के लड़कों को, भतीजों को सरकारी नौकरी दिलवाते हैं और बाद में आम आदमी सरकारी नौकरी के लिए भटकता रहता है और परेशान होता रहता है। ये सच्चाई है और ये सब चीज़ें कांग्रेस के अंदर खूब जमकर हुई हैं, ये हर हिंदुस्तान का आदमी जानता है। एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, येल्लो आप लोगों ने ही तो अपने नेताओं को टीवी पर भेजने से मना किया है। वैसे राहुल जी को कभी कुछ तो कभी कुछ बनते देखा है, टीवी पर ही देखा है। मोदी जी की बात है और है, वो प्रधानमंत्री हैं। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब उनको भी दिखाया जाता था, चाहे वो बोले या ना बोले। दोस्तों बिल्कुल फैक्ट बात इन्होंने लिखी है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो मीडिया पर उनको भी दिखाया जाता था, वो कुछ बोले चाहे ना बोले। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया उनको दिखाती थी। आज के टाइम में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो सत्ता में होगा, जो देश के लिए काम कर रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है, मीडिया उसको क्यों ना दिखाए? और जब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही तो उनको क्या दिखाए? और रही दूसरी बात कि कांग्रेस की उनको नहीं दिखाया था, तो मैं आपको बता दूँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ उनको बकायदा दिखाया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली जाती है। और सबसे बड़े मुद्दे की बात मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उनकी पल पल की खबरें टीवी पर आ रही थी और हर एक जो टेलीकास्ट था बकायदा दिखाया जाता था और सभी टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, सभी अखबारों में भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया गया। अगर नहीं दिखाया गया होता तो देश के अन्य लोगों को, राज्य में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी कोई भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी या तो टीवी नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते, इनको टीवी देखें, अखबार पढ़ें। और आज भी इनके बहुत सारे जो भारत जोड़ो यात्रा के वीडियोस वगैरह हैं वो सोशल मीडिया पे आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख सकते हैं, वहाँ आपको अपनी वीडियो मिलेंगी। खैर एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है इसलिए टीवी पर ही नहीं कहीं पर भी नहीं दिख रही है। फिर टीवी और सोशल मीडिया पर दिखने के लिए पप्पू भारत जोड़ो ट्रक वालों के साथ धान लगाते, खेत काटते, कुली बनते फिर रहे हैं, फिर भी कुछ ना हो रहा है तो अब सीधा बोलने लगे। दोस्तों मीडिया को
गलत बोलना या मीडिया के बारे में अपशब्द बोलना एक आम बात हो गई है हर तरीके से। अब खासतौर से कांग्रेस के राहुल गांधी जी की खासियत रही है कि जब से ये सत्ता से बाहर हुए तब से इन्होंने मोदी, अडानी और मीडिया ये तीन शब्द पकड़ रखे हैं और अपनी हार, अपनी नाकामी का ठिकाना इन्हीं के साथ फोड़ते रहते हैं। जबकि अगर आप सभी जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने अपने समय में काम किए होते और कुछ अच्छे काम किए होते तो शायद उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब हार गए हैं तो अपना ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ दो। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार लोग काम करते हैं, सभी बिकाऊ नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बिकाऊ हैं परंतु सभी मीडियाकर्मी बिकाऊ नहीं है, सबका अपना ईमान होता है। उसके अलावा जैसे ये नेता हैं कभी भी पत्रकारों को कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऑन कैमरा पत्रकारों को गाली देना, उनके पर हाथ उठा देना, उनको गरियाना ये एक आम बात हो गई है। इनको लगता है पत्रकार एक बेइज्जत आदमी है, उसकी कोई दीन ईमान नहीं है, उसका घर परिवार नहीं है। तो मैं आपको लोगों को ये बता दूँ, खासतौर से राहुल गांधी जी आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि पत्रकार सब इज्जतदार हैं, सबके घर परिवार हैं, सबके बाल बच्चे हैं और इनको अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो इनको बेइज्जत करने का आपको कोई हक नहीं है। हम लोग तीन तीन चार चार घंटे इंतजार करते हैं सिर्फ एक 30 सेकंड की बाइट के लिए, ठीक है। हम लोग आप ही की तो सभी खबरें हर आम आदमी तक पहुँचाते हैं। मीडियाकर्मी दिन रात गर्मी सर्दी बरसात सब में घूमता रहता है ताकि पल पल की खबरें आम जनता तक पहुँचा सके। दोस्तों अगर मीडियाकर्मी ये सब ना करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई किसी तरह का अपडेट मिल पाएगा। सोशल मीडिया पे भी जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने छोटे बड़े पत्रकार जितने भी हैं, सब अपने अपने घर परिवार छोड़ छाड़ के आम जनता के लिए दिन रात कभी नेताओं के पीछे, कभी एक्टर्स के पीछे, ये लोग गालियां तक बकते हैं, इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। आप कभी उस पत्रकार से पूछिए जिसने एक 30 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 5-5, 6-6 घंटे भूखे प्यासे वेट कराए। तो दोस्तों मीडिया को गाली देना बड़ा आसान है पर आप जब ग्राउंड पर जाके देखें कि वो कितना काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, किस स्थिति में काम करते हैं, तब आपको पता चलेगा। मीडिया को कोई भी नेता आगे किसी भी पत्रकार को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, ये आम बात है। और पत्रकारों को मुझे लगता है कि अब नेताओं को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है और सम्मान तो नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि उनको बेइज्जत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों आप ये राहुल गांधी की पूरी वीडियो देखिए और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पत्रकारों को उल्टा सीधा या उनको अपमानित करती रहती है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद भैया। आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं, इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते, आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते, मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते।